प्रभु भोज है अगले वीक, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो प्लीज आए, और जो आज नहीं आए जिन्होंने बपतिस्मा लिया और आप जानते हैं तो उनको बताइए कि वो परमेश्वर के चरणों में आए और प्रभु भोज लें। प्रभु भोज को आप यूं मत समझिएगा दाख रोटी के, आपने रोटी खा ली और दाख रस पी लिया, नहीं। प्रभु भोज एक सुरक्षा का कवच है, आप नहीं जानते इस रीति को। प्रभु भोज के द्वारा आपके चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधता है परमेश्वर, बहुत जरूरी है। आप उन चीजों को देखते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको ये आदमी दिख रहा है, ये बिल्डिंग दिख रही है, आपको सामने वाला वाहन दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, ये सब मिटने वाली हैं। और जो शक्तियां हैं, चाहे वो अंधकार की शक्तियां हैं या परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, जो आपको नहीं दिखते हैं वो आपके साथ चल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको आपका स्वर्गदूत दिया हुआ है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं। वो पिता परमेश्वर ब्रह्मांड का रचयिता, वो चाहता है कि मैं बताऊं कि मैं अपने बच्चे के साथ हूं। लेकिन आप संसार में इस कदर खो जाते हैं कि आप उस चीज को समझ ही नहीं पाते। संसार के रीति रिवाज, संसार की मौज मस्ती, संसार का चकाचौंध होना आपको इतना प्रभाव डालता है कि परमेश्वर का प्रभाव कम होने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने नोहा के द्वारा हमें जो शिक्षा दी है वो बहुत 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 सटीक है। नोहा को परमेश्वर ने कहा कि आने वाले वक्त में मैं इस संसार को खत्म कर दूंगा, लेकिन तू और तेरा परिवार जिंदा रहेगा क्योंकि तू धर्मी है। कौन है नोहा? कौन है हम लोग? कौन है? धर्मी। बोलो मैं। मैं। जोर से बोलिए मैं। मैं धर्मी हूँ। धर्मी हूँ। अपना हाथ अपने सीने पर रखिए, बोलिए मैं। 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 धर्मी हूँ। धर्मी हूँ। अगर आप अपना नाम ले सकते हैं तो लीजिए, जैसे मैं अनिल कोचर बोलूंगा, आप अपना नाम लीजिए और बोलिए मैं धर्मी हूँ। मैं अनिल कोचर धर्मी हूँ। अंगीकार करिए, आप खुद को बताइए कि आप कौन हैं। कभी कभी हम संसार को इतना जानने लगते हैं, कभी कभी संसार इतना प्रभाव हम पर डाल देता है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम चाहते क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जीवन परमेश्वर ने क्यों दिया है। हम उस महत्व को भूल जाते हैं जो परमेश्वर का है। 120 साल लगे थे नोहा को जहाज बनाने में, और परमेश्वर ने कहा था कि नोहा तू धर्मी है और मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। नोहा ने क्या किया? परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया कि मैं तुझे बचाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहकर गया है यहां से? कि मैं तुझे लेने आऊंगा। हालेलुया। जिस तरीके से नोहा ने उस वचन पर विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा, उसी तरीके से यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। हमको विश्वास करना है इस वचन पर कि यीशु हमको लेने के लिए आएगा। और मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत जल्द प्रभु आने वाला है, बहुत जल्द। बाइबल में जो जो लिखा है वो सत्य हो रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में नोट की करेंसी बंद हो जाएगी, नोटों से आदान प्रदान बंद हो जाएगा। आप लोग जान रहे हैं 80% नोट बंद हो चुके हैं, सब लोग फोन से काम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आज के दौर आप सब्जी लेने जाइए फोन के थ्रू, आप किसी को पैसा दीजिए फोन के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी बिल फोन के थ्रू, केबल फोन के थ्रू, हर चीज फोन के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 80-85% काम फोन पे हो रहा है। कितना बचा है? 15%।
जबकि पूरी करेंसी बंद हो जाएगी। ये तो बाइबल कह रही है, लेकिन सरकार ने भी अनाउंस किया है। 7 नवंबर 2017 को जी टीवी में अनाउंस किया गया था कि आने वाले वक्त में नोट की करेंसी बंद हो जाएगी और उससे भी आगे सबको एक चिप लगेगी। चिप आपके हाथे पर और माथे पर चिप लगेगी। अगर आप पढ़ना चाहें तो प्रकाशित वाक्य 13:17-18 में लिखा हुआ है कि आपको चिप लगेगी, जिस चिप में आपकी सारी जानकारी होगी, आपका आधार कार्ड होगा, आपके सारे बैंक के डिटेल्स होंगे, सब कुछ होगा, एक छोटी सी चिप, और वो आपके हाथ में लगा दी जाएगी एक इंजेक्शन के जरिए। ये अनाउंस है, सरकार ने अनाउंस किया, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है 2000 साल पहले। बाइबल में 2000 साल पहले लिखा है कि आपके हाथों में चिप लगेगी, लेकिन बाइबल में यह भी लिखा है कि उस चिप लगने से पहले यीशु आएगा। उस चिप लगने से पहले कौन आएगा? यीशु। कौन आएगा? यीशु। क्यों आएगा? हमको लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, नोट बंद हो रहे हैं, पहली भविष्यवाणी कंप्लीट हो रही है, अब सिर्फ चिप लगाना बाकी है और उससे पहले यीशु आने वाला है। तो आप ये सोचिए कि हमें कितना तैयार रहना है, हमें कितना तैयार रहना है। शैतान हमारे सामने प्रलोभन लाएगा, शैतान हमारे सामने डुगडुगी बजाएगा, शैतान हमें शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की लालसा में लेकर जाएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु के पास जाएं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखिए, ईमानदारी से उसकी आंखों में, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। मैं जब कहता हूं बिताइए तो कहने का मतलब है बिताइए। आप क्या कहते हैं? हां परमेश्वर, हां पास्टर, मैं कोशिश करूंगा। हमें कोशिश नहीं करनी है, हमें पवित्र रहने की कोशिश नहीं करनी है, हमें आज्ञा पे चलने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको यीशु मसीह के साथ जाना है तो हमें आज्ञा पे चलना है। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, नहीं, यीशु कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और ये बात नोहा ने जान ली थी। नोहा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, इसलिए जहाज बनाओ। और 120 साल तक नोहा जहाज बनाता रहा। उसके भी सामने आजमाइशें आई होंगी, उसके भी दोस्त होंगे, उसके भी रिश्तेदार होंगे। बहुतों ने कहा होगा कि अरे नोहा तो क्या कर रहा है भाई, जहाज ही बना रहा है। तू तो कह रहा था, निकालिए इब्रानियों 11:7 निकालिए, तू तो कह रहा था ना कि भैया परमेश्वर जल का भंडार खोलेगा, जल प्रलय लेकर आएगा। हैं, 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, कब तक आएगा भाई तेरा परमेश्वर? देखिए, शैतान आपको कमजोर करता है, आपके धंधे के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके शौक के द्वारा कमजोर करता है वो आपको। आपसे ज्यादा आपको परमेश्वर जानता है, आप नहीं जानते अपने बारे में, आप नहीं जानते। आपको पता है, ध्यान दीजिए इधर, शैतान एक नया आदमी रोज आपके अंदर रच रहा है, एक आपके अंदर नया आदमी बन रहा है, आप नहीं जानते, आप नहीं जानते वो आदमी कौन है, लेकिन वो बना रहा है, वो बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आप नहीं जानते आपके अंदर क्या हो रहा है। शमौन पत्रस नहीं जानता था, वो कहता था अरे यीशु, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए जेल चला जाऊंगा। यीशु ने कहा नहीं बेटे, तो आज ही रात को मेरा 3 बार इनकार करेगा, क्योंकि जो तेरे अंदर आदमी है ना, उसको तू नहीं जानता है, उसको मैं देख रहा हूं। पतरस नहीं जानता था कि मेरे अंदर एक आदमी है, एक नया शख्स है। आपके अंदर भी एक आदमी है,
शैतान रोज एक नया आदमी आपके अंदर बना रहा है, उसकी उसका प्रोसेस चालू है। कैसे? आप गलत चीजें सुन रहे हैं, एक नया बीज डाल रहे हैं, आप नया चीज गलत चीजें देख रहे हैं, गलत बीज आपके अंदर जा रहा है, और वो सिर्फ जा ही नहीं रहा है, वो अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसको निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उसको निकाल नहीं रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं मांगने की, प्रभु मेरा धंधा दे दे, मेरा धंधा अच्छा हो प्रभु, मेरे बच्चे अच्छे हो, मुझे पैसा मिल जाए, मेरे यहां पर पैसा मिल जाए, मुझे यहां पैसा मिल जाए, मुझे यहां से आशीष आए, मुझे यहां से आशीष आए। नहीं, आप उसको जमी हुई परत को, शैतान के कामों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सवा सौ साल तक, 120 साल तक नोहा जहाज कैसे बनाता रहा? क्योंकि परमेश्वर का एक वादा कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं और तेरे परिवार को बचाऊंगा, उस एक वादे को नोहा ने थाम के रखा, उस एक वादे को, यस मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। सारे काम छोड़ दिए, उसने जहाज बनाना शुरू कर दिया। जहाज बनाना उसे नहीं आता था। कई लोग कहते हैं हमें सुसमाचार सुनाना नहीं आता, हम कैसे सुनाएं? आप बहुत अच्छे बहाने बनाते हैं। दूर है एक भाई का घर, हम कैसे जाएं? नोहा ने बहाना नहीं बनाया। नोहा ने नहीं कहा कहीं बाइबल में कि साहब मुझे जहाज बनाना आता ही नहीं है। ठीक है, अगर आप तो अगर तू चाहता है परमेश्वर मैं जहाज बनाऊं तो लकड़ी ला के दे, कीले ला कर दे। कुछ मांगा उसने? हेलो, हम मांगते हैं। तू चाहता सुसमाचार सुनाऊं तो मुझे ऐसी रास्ता दिखा, मैं आत्माओं के पास जाऊं, मैं पहले रोटी दे फिर मैं जाऊंगा। अरे, आपने प्रभु को पहचाना ही नहीं है, आपने परमेश्वर को पहचाना ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है। आप भरोसा करते हैं अपनी नौकरी पर। जिस दिन आप परमेश्वर पर भरोसा करने लगे, नौकरियां आपके पीछे आएंगी। Praise the Lord. तो आज का जो मेरा संदेश है वो ये है कि परमेश्वर ने नोहा को बोला कि तुम जहाज बनाओ और मैं तुम्हारे परिवार को बचाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे उसने विश्वास किया? 11:7, इब्रानियों 11:7 मेरी बहन पढ़ेगी। ध्यान दीजिए कि नेहा का, जो नोहा का करेक्टर क्या था, उसका नजरिया क्या था परमेश्वर को देखने का। आपका नजरिया क्या है? आपका चर्च में आने का नजरिया क्या है? आपको यहां बैठे हुए आपका नजरिया क्या है? नोहा का नजरिया क्या है? देखिए इस वचन में आपको मदद पता चलेगा। इब्रानियों 11:7, विश्वास ही से नूह ने उस बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। मैंने बहन, विश्वास ही से नोहा ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भय के साथ जहाज बनाया। कौन सी बातें दिखाई नहीं पड़ती थी? पता है आपको कौन सी बातें? बारिश नहीं। हाँ, उस समय तक बारिश नहीं आई थी और परमेश्वर ने कहा था जल प्रलय होगा। उसने विश्वास किया कि बारिश आएगी, परमेश्वर ने कहा जल प्रलय होगा। जो बातें दिखाई नहीं पड़ती थी उस पर विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बादलों पर सवार होकर आएगा और लोग ऐसे ही उठाए जाएंगे। अब तक उठाए गए हैं? हाँ के ना? अब तक उठाए गए हैं लोग ऐसे? नहीं उठाए गए। अब तक तो हमने सीखा है ना, हमने बाल को उछालो और बॉल तो नीचे आती है, तो हम कैसे ऊपर चले जाएंगे? लेकिन वो कौन है जिसने हमसे कहा है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने हमसे वादा किया है। उसने सृष्टि की रचना की है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ, वो मर के जिंदा हो गया। हालेलुया, उसका हर वचन सत्य है। उसने बोला है वो आएगा और हमको लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ तालियां नहीं बजानी है, हमने उस वचन पर विश्वास करके रहना है। वो आएगा और हमको लेके जाएगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 7,
उत्पत्ति सातवां पढ़िए, उत्पत्ति सातवां देखिए क्या उसने किया। लेकिन इससे पहले क्या किया, देखिए इब्रानियों में उसने देखा कि उसने अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास किया, जो परमेश्वर ने कहा था उसके वादों पर विश्वास किया। लेकिन परमेश्वर ने जब क्या किया, 120 साल में जब वो जहाज बन गया, उसके बाद 7 दिन के लिए परमेश्वर ने नूह के परिवार को जहाज के अंदर रखा। मेरा आज का मेन उद्देश्य यही है, वो 7 दिन क्यों, वो 7 दिन क्या थे, उन 7 दिनों में क्या हुआ। परमेश्वर ने नूह के परिवार को जहाज बनने के बाद 7 दिन अंदर डाला और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 7 दिन तक बरसात नहीं थी, जल के जो पोते हैं ना नहीं फूटे थे। 7 दिन तक जैसे बाहर था नूह, वैसे ही अंदर था। हालेलुया। वो जहाज क्या था, वो जहाज क्या था, हालेलुया, वो जहाज थी कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 7 दिन रहना कहां पर रहा, कहां पर परमेश्वर ने रखा उसके परिवार को, कलीसिया में। हेलो, आज मैं आपको कलीसिया के महत्व के बारे में बताऊंगा। कलीसिया क्या है, कलीसिया के संग जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है, कलीसिया हमको क्या देती है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के आने से कलीसिया ही उठाई जाएगी। आप अगर कलीसिया से नहीं जुड़े हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो आपके लिए खुशखबरी नहीं है। आप अगर पूरी ईमानदारी के संग कलीसिया से जुड़े हैं तो आप उठाए जाएंगे। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। हेलो, कलीसिया उठाई जाएगी। बढ़िए, 7 का हालेलुया। नूह अपने पुत्रों पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय के बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रहने वाले जंतुओं में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। 7 दिन के पश्चात, हालेलुया। 7 दिन ही क्यों, इसके लिए एक वचन हम और पढ़ लेंगे। अगर आप 16 पढ़ेंगे, 15 और 16, इसी का 15-16। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। आमीन, आमीन, आमीन। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बाहर से बंद कर दिया। आमीन। वो 7 दिन क्या थे, वो 7 दिन था कि परमेश्वर ने उनको कलीसिया में रखा। वो 7 दिन एक कलीसिया को दर्शाते हैं, वो जहाज एक कलीसिया को दर्शाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 7 दिन उस कलीसिया में कैसे रहे वो लोग, 7 दिन, उसके लिए 7 पॉइंट्स हैं। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 7 दिन 7 पॉइंट्स के साथ, 7 विषयों के साथ, 7 चीजों के साथ वो उस कलीसिया में रहे, उस जहाज में रहे। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो परमेश्वर के हो सकें, ताकि वो उद्धार पा सकें, ताकि वो बच सकें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 120 साल तक उसने विश्वास किया, परमेश्वर उसके विश्वास को चुनौती नहीं दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर एक नियम बना रहा है। परमेश्वर जानना चाहता है कि आप कलीसिया में कैसे रहते हैं। परमेश्वर जानना चाहता है कि जब आप परमेश्वर आपको चुन लाता है तो आप उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को कैसे बिताते हैं। कितने विश्वास करते हैं कि आप चुने हुए हैं? हालेलुया। आप चुने हुए हैं, विश्वास करते हैं? हालेलुया। यूहन्ना 15:16 कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और सिर्फ चुना ही नहीं, चुन के नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1, अगर आप कलीसिया से आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको चुना। तालियां बजाना तो जोर से बजाइए, नहीं तो मत बजाइए। हालेलुया। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये जानिए कि अगर आप कलीसिया में बैठे हैं तो परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। और उसके बाद जब आप कलीसिया से जुड़ जाते हैं तो अपने आप आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात मानते हैं, कितने लोग मेरी बात मानते हैं, कलीसिया से जुड़ने के बाद कितनों के जीवन में काम हो रहा है?
कितनों के जीवन में काम हो रहा है? हालेलुया, सीधा बताइए आप, हाँ या ना? हाँ। आपके जीवन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। कौन कर रहा है? क्योंकि जैसे ही आप कलीसिया में आते हैं, अंधकार की शक्तियां आपका पीछा छोड़ देती हैं और परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 7 पॉइंट हैं जो आपको कलीसिया में रखते हैं। 7 पॉइंट, पहला प्रार्थना धन्यवाद के साथ। पहला पॉइंट क्या है? प्रार्थना धन्यवाद के साथ। दूसरा एक मन। तीसरा प्रेम करते हुए। चौथा विश्वास। पांचवा धीरज। छठा समझौता। और सातवां अनुशासन। ये 7 पॉइंट्स हैं जो आपको कलीसिया में रखते हैं। ये 7 पॉइंट हैं, जब आप इन पॉइंट्स के साथ रहते हैं तो निश्चित है कि परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। अब आप कलीसिया में इन 7 पॉइंट्स के संग कैसे रह सकते हैं? पहला पॉइंट है प्रार्थना। प्रार्थना कैसा? धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हमारी कलीसिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम प्रार्थना को नहीं समझते। हम प्रार्थना को नहीं समझते। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं अपनी नौकरी के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कुछ पाने के लिए, अपने बच्चे के लिए, शादी के लिए, इसके लिए, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम धन्यवाद की प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर आज तूने हमें कलीसिया में अपने शरीर का अंग बनाकर रखा है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा एहसास है, सबसे बड़ा अंगीकार है कि आप इस चीज को मानिए कि आप परमेश्वर के भवन का हिस्सा हैं, आप उसकी देह का अंग हैं। आप कलीसिया में कब तक रह सकते हैं? जब तक आप धन्यवाद के संग प्रार्थना करेंगे। आप अगर सिर्फ मांगने के लिए कलीसिया में आते हैं, आज नौकरी दे दे, आज स्वास्थ्य दे दे, आज बीमारी ठीक हो जाए, आज मेरा धंधा चले, तो आप कलीसिया में स्थिर नहीं रह सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें प्रार्थनाएं, हम क्यों स्थिरता नहीं रख पाते अपने चर्च में? क्योंकि हम वो चीजें मांगते हैं जो कि उनकी वैल्यू नहीं है, जो कि आज है तो कल नहीं है। आपका शरीर है, आपका शरीर बीमार पड़ेगा, ये याद रख लीजिए। आज आपका सिर का दर्द है, कल आँख का दर्द होगा, कल और आप 5 साल बढ़ेंगे कमर का दर्द होगा, घुटने का दर्द होगा, ये होगा। और परमेश्वर आपको चंगाई देता रहेगा, लेकिन आप इसके लिए कलीसिया नहीं आए हैं। अगर आप इसके लिए कलीसिया आ रहे हैं तो आप कलीसिया में टिक नहीं पाएंगे। अगर आपको कलीसिया में टिकना है और उद्धार पाना है और परमेश्वर के संग जाना है, तो आपको धन्यवाद की प्रार्थना करनी चाहिए कि आप परमेश्वर के आशीष से एक कलीसिया का हिस्सा हैं। नंबर 2, आप किसी भी कलीसिया में अपने आप नहीं जा सकते। याद रखिए, मैं आपको बता दूं, अपने आप नहीं जा सकते, परमेश्वर आपको लाता है। एक कलीसिया परमेश्वर आपको देता है, आत्मिक पिता परमेश्वर आपको देता है, आपकी बुद्धि परमेश्वर खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि प्रार्थना के साथ आप धन्यवाद करते हुए उस कलीसिया में रहें। वो 7 दिन उन्होंने क्या कहा था? नूह के परिवार ने प्रार्थना के संग धन्यवाद किया था। हालेलुया। आपको पता है, जब वो जहाज के अंदर बैठे हुए थे, तब भी उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अंदर बाहर खड़े होंगे, अरे नोहा 7 दिन हो गया, 1 दिन हो गया, तू तो बोल रहा था कि पानी आने वाला है, तू तो बोल रहा था कि साहब पानी आएगा और हमें खत्म कर देगा, देख हम बाहर आजाद हैं और तू कहां बंद है जहाज के अंदर। आज भी लोग आपको बोलते होंगे, अरे कहां जा रहा है? कलीसिया जा रहा है। क्या मिला तुझे कलीसिया से? आज भी तू बीमार है, आज भी तू ठीक स्थिति में नहीं है, क्या मिला तुझे? उनको पता ही नहीं है कि कलीसिया परमेश्वर की देह है। यीशु की देह है, मुझे यीशु ने अपने शरीर का अंग बनाया है। आमीन। आप परमेश्वर के शरीर का अंग हैं। बोलिए, मैं परमेश्वर के शरीर का अंग हूं। आमीन। याद रखिए, आप उसके अंग हैं। आमीन। और आपको अपने अंग की बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं करना है,
जब शरीर बढ़ेगा तो अंग भी बढ़ेगा। हालेलुया, आमेन। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन हाथ छोटे हैं, कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब परमेश्वर का शरीर बढ़ेगा तो आपका अंग भी बढ़ेगा। तो आप किसके अंग हैं? परमेश्वर के। आप उसकी देह के अंग हैं। तो धन्यवाद दीजिए कि मुझे परमेश्वर ने कलीसिया से जोड़ा हुआ है। यही नूह और उसका परिवार धन्यवाद दे रहा था कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। नंबर दूसरा पॉइंट, एक ही मन, एक ही मन। हालेलुया। डिटोनोमी व्यवस्था वर्णन 22 का 9 निकालेगा। एक ही मन, जब हम कलीसिया में बैठे तो हमारा एक ही मन होना चाहिए। और वो मन क्या है? कहता है परमेश्वर की, यीशु की आराधना, यीशु की प्रशंसा। हमारे सबके मन में संदेह की भावना नहीं होनी चाहिए। जब हम कलीसिया में हैं तो हमारे एक मन से उसकी प्रशंसा निकलनी चाहिए, उसका धन्यवाद निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो आठ लोग जो उस कलीसिया के हिस्सा थे, वो आठ लोग जो नूह की कलीसिया का हिस्सा थे, उनका एक ही मन था। हालेलुया। क्या मन था? कि परमेश्वर आएगा और हमें बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, आपका एक मन होना चाहिए कि हम परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। आपका एक मन होना चाहिए कि यीशु महान है, मार्ग जीवन सत्य यीशु ही है। आपका एक मन होना चाहिए कि शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया है। आपका एक मन होना चाहिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जो कि उद्धार करता है और जो आएगा हमको लेकर जाएगा। आमेन। फिलिपियों 2 का 3 और 4 अगर हम पढ़ेंगे, फिलिपियों 2 का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों 2 का 2 और 3 अगर हम जल्दी से पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री, हालेलुया, मैं जल्दी से आपके लिए निकालता हूँ। देखिए वो क्या कहता है, 2 का 2 और 3 निकालो बेटे। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आमेन। एक ही मन, एक ही दृष्टिकोण, एक ही विचार, एक ही मनसा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके परिवार में भी एक मन नहीं है तो आपके परिवार की प्रगति निश्चित नहीं है। आपकी बीवी कुछ कह रही है, आपका आप कुछ कह रहे हैं, बच्चे कुछ और कह रहे हैं, तो आपके परिवार में एक अगर मन नहीं है, एक मन एक दृष्टिकोण आपके परिवार में बहुत होना ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में प्रगति नहीं हो रही है, अगर आपका परिवार प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो जांचिए अपने परिवार में कि आपका और आपके पति का दृष्टिकोण एक है, नहीं होगा। जहां पर पति और पत्नी का दृष्टिकोण एक नहीं होता है, उस घर में प्रगति नहीं होती है, उस घर में प्रगति नहीं होती है। स्थिरता के साथ लगातार प्रगति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक मन एक दृष्टिकोण के संग हमें उस जीवन को बिताना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक मन होना, एक मन के साथ चलना। 22 का डिटोनोमी 22 का 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, 22 का 9। अपनी दाख की बारी में दो प्रकार के बीज न बोना, ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। अपवित्र ठहरे। अपनी दाख की बारी में दो तरह के बीज मत बोना। आप क्यों अस्वस्थ रहते हैं, आप क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपने एक ही बार में दो बीज बोए हुए हैं। एक ही बीज बोना ताकि आप एक ही बीज की आप देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दो बीज की देखभाल आप अच्छी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। एक ही बीज, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को पहला स्थान में रखते हुए। परमेश्वर क्या चाहता है? मैं जो काम कर रहा हूँ क्या परमेश्वर के नियम के अनुसार है? मैं जो काम कर रहा हूँ क्या परमेश्वर की दृष्टि में सही है? मैं जो काम कर रहा हूँ क्या परमेश्वर ने कहा है? परमेश्वर के अनुसार जीना। हम सोचते हैं, हम कई बार दिक्कत में आते हैं कि हम क्या करें यार, हम कैसे अपने जीवन को निभाएं। अरे भाई, इतना सोचने की चिंता नहीं है, आप सोचने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है वो करो। हमको परमेश्वर ने बाइबल दी है। जो बाइबल कहती है, जिस दिन आप बाइबल के अनुसार चलना शुरू कर देंगे,
उस दिन अद्भुत आशीषों की बारिश आपके जीवन में होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन एक दृष्टिकोण नहीं, हम अपने कलीसिया में एक मन एक दृष्टिकोण के संग रहें। हमारे अंदर संदेह नहीं होना चाहिए। हम यहां पर परमेश्वर का वचन लेने के लिए आए हैं। कितने लोग परमेश्वर से मिलने आए हैं? कितने लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात करे? आमेन। कैसे बात करेगा? हेलो, ध्यान से समझिए। आप लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, चाहते हैं आप लोग परमेश्वर आपसे बात करे? लेकिन अगर आपका ध्यान परमेश्वर पर होगा तो ही तो वो बात करेगा। आप कहते हैं कि हम परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे बात करे, लेकिन आपका ध्यान अपने धंधे की तरफ है, अपनी बीमारी की तरफ है, अपनी और प्रॉब्लम्स की तरफ है, आपका ध्यान ही नहीं है, तो आप परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनेंगे? सुनेंगे आप नहीं, सुन सकते ना। आप कहते हैं मैं चर्च में आया हूँ पास्टर से मिलने के लिए, लेकिन पास्टर सामने खड़ा हुआ, लेकिन आप कहीं और देख रहे हैं, इधर उधर आपका माइंड भटक रहा है, तो जो पास्टर कह रहा है आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो एक मन एक दृष्टिकोण के संग जब हम आते हैं, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगने आते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो बात करे उसे हम समझें। सबोपदेशक 5:1 क्या कहता है पढ़िए, बाइबल के बारे में, परमेश्वर के भवन के बारे में क्या कहता है कि हमें किस तरीके से चलना है। सबोपदेशक 5:1 पढ़िए बेटा। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तब सावधानी से चलना। सावधानी से चलना। जब तू परमेश्वर के भवन में आए सावधानी से, एक एक कदम नाप तोल कर। मैं कहां जा रहा हूं? परमेश्वर के भवन में जा रहा हूं, मैं परमेश्वर से मिलने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक एक कदम सावधानी से, और आगे सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सुनने के लिए समीप जाना, किसके समीप जाना? परमेश्वर के। जब आप आकर बैठते हैं और कुछ मत सुनिए। हमारे चर्च में काफी लोग बहुत लेट आते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। 9:30 की हमारी सभा का टाइम है और हम 10:15 हम चाहते हैं हम जल्दी शुरू करना, लेकिन आप लोग लेट आते हैं। आप लोग 11:11 तक आते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वर्शिप आदि हो जाती है, आपके आने से लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको पता है कोई भाई बहन आराधना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, और आप अपनी सीट ढूंढने के लिए उसको धक्का मारते हैं और उसकी आराधना को भंग करके बैठना चाहते हैं। एक तो आप गलत करते हैं लेट आकर, उसके बाद आप उसको तंग करके अपनी सीट के लिए आप उसको धक्का देते हैं, मतलब उसकी आराधना भी भंग करते हैं। गलत है क्या? हम परमेश्वर से मिलने के लिए समय पर नहीं आ सकते क्या? हम घर से आधा घंटा पहले नहीं निकल सकते क्या? हम संडे की सुबह आधा घंटा पहले नहीं उठ सकते? हमें परमेश्वर चाहिए। अपना आराम खोइए, अपना आराम भूल जाइए। किससे मिलने के लिए आप आए हैं? परमेश्वर से। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि सावधानी से चलो और सुनने के लिए करीब आओ। जब आप जल्दी आएंगे तब आप अपने आप को संभालेंगे। आप कंप्यूटर तो है नहीं, आए इमीडिएट आपने स्विच ऑन किया और यहां पर प्रभु की तरफ लग गया। आप आएंगे बैठेंगे, इसलिए आप समय से पहले आएंगे बैठिए। कोई चर्च का काम है, कुर्सियां साफ करनी है, पानी की व्यवस्था है, या कुछ है, करिए करिए, सेवा करिए। जाते हुए भी मैं देखता हूं इतनी जल्दी जाते हैं कि पता नहीं घर में क्या है। अरे 15 मिनट रुकिए, आप परमेश्वर से मिलकर जा रहे हैं, उस एहसास उस फीलिंग को तो महसूस करिए। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या कहता है? सुनने के लिए अपने आप को करीब लाओ। जब आप टाइम से आएंगे, ध्यान दीजिए, जब आप समय से आएंगे अपनी सीट पर बैठेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, तैयार करेंगे, संसार से निकालकर आप अपने आप को प्रभु में लाएंगे, तब आप अपने शरीर से कहेंगे कि सुनने के लिए अब कान लाओ।
तब आप सुनने के योग्य बनाएंगे अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। आप खुद सोचिए, अगर आप भागे भागे अपने घर में जाएं, भागे भागे आप काम करने लगे, आपका पति कुछ भी बोल रहा है, आप आधी बातें सुनेंगे आधी बातें नहीं सुनेंगे। आप कब पूरी तरीके से पति की सुनेंगे? जब आप पूरी अंदर से शांत होंगे। हाँ, होता है कि नहीं होता है? तो सुनने के लिए करीब जाना है हमें। कहां पर? कलीसिया में। नूह का जहाज, नूह का जो परिवार था, वो सुनने के लिए करीब था, बैठा हुआ था, प्रार्थना में बैठा हुआ था, धन्यवाद दे रहा था। वो खिड़की की तरफ नहीं देख रहा था, वो नहीं देख रहा था कि क्या होगा आज सात दिन के लिए, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है वो आएगा और जल प्रलय लाएगा, वो मुझे बचाएगा, तो वो मुझे बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो उसने कहा है वो करेगा। हम उस परमेश्वर की उपासना में हैं जो कहता है वो करता है। मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, मेरा यीशु झूठा नहीं है। उसने कहा है आएगा, और मैं आपको सच कह रहा हूं, अपने आप को तैयार रखिए, यीशु कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, हो सकता है अभी आ जाए, कभी भी। हमें अपने आप को तैयार रखना है। हालेलुया। तो एक मन एक दृष्टिकोण के संग हमें परमेश्वर के साथ रहना है। आगे क्या बढ़िए, सुनने के लिए समीप जाओ, उसके बाद दूसरा, पांच का दूसरा, बातें करने में उतावली ना करना, बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से की कोई, हाँ बोलो, और ना अपने मन की कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। हाँ, बातें करने उतावली नहीं। हम प्रार्थना करते हैं उतावली में, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं नहीं, बहुत संभल कर हमें अपने शब्दों का चयन करना है। मुझे नहीं लगता है कि नोहा जहाज में बैठने के बाद उन लोगों के लिए कुछ गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा होगा। नहीं, प्रार्थना कर रहा था वो। कभी कभी हमें जब चंगाई मिल जाती तो हम कहते हैं हम सबसे पवित्र हैं, जिसको चंगाई नहीं मिली वो अपवित्र है। नहीं, ऐसा नहीं समझना है हमको। अपने मुंह से हमें गलत शब्द नहीं निकालने किसी के लिए। सामने वाला गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी है, हमें न्यायाधीश नहीं बनना है। नो, लिखा हुआ है बातें करने में उतावली ना करना। क्यों? क्योंकि उतावलेपन में हमारी जबान से कुछ भी निकल सकता है, और अगर जो गलत निकल जाएगा तो उसको शैतान थामेगा और न्याय करेगा। यस, ये शैतान का तरीका है। हमें वचन के अनुसार बोलना है। हड़बड़ी में अपने आप को दिखाने के लिए मुझे इतना आता है, मुझे उतना आता है, ये करना है, वो करना है, वो गलत है, ये गलत, नो 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 नहीं। और प्रार्थना में भी हमें उतावलापन नहीं दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। दीनता और नम्रता हमारा गहना होना चाहिए। हालेलुया। हमें कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर के स्वभाव को आप में डालने के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को बताने के लिए कलीसिया बनाया गया है। तो क्या कहता है? बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। यानी कि उतावली से कोई भी बात गलत भी हो सकती है, वो परमेश्वर है। चौथा पढ़िए, चौथा, इसमें का चौथा, हाँ इसी का चौथा, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, हाँ, तब उसके पूरे करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरे करना। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के नाम से या परमेश्वर के लिए कुछ भी मन्नत माने, कभी कभी हम भावनाओं में भटक कर कह जा रहे, मैं ये करूंगा, मैं कलीसिया के लिए ये करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए यह करूंगा, और फिर समय आने पर आप नहीं करते। कभी मत करिए। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। अगर आप नहीं कर सकते हैं, मत बोलिए मैं सोचूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मत बोलिए मैं करूंगा। कर सकते हैं, करिए। कहना
कि मैं करूंगा और नहीं करना, वचन कहता है पाप है और शैतान आपके जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी मन्नत हमें ऐसे नहीं मांगनी है, हमें वाचा बांध रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने कह रहे हैं। आप अगर झूठे होंगे आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, इसका मतलब परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। नहीं, परमेश्वर झूठा नहीं है। पांचवा, मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। आमेन। मन्नत मांगने से उसका पूरी नहीं करने से मन्नत न मानना ही अच्छा है। कभी भी अपने मन में ध्यान लीजिए, एक तो जल्दी से बात मत करिए, उतावलेपन में आप मत करिए, और आप मन्नत मत मानिए, वाचा मत मानिए। आप कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते मत करिए। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम करें, कर जब आप कर रहे हैं तब बोलिए आप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप दोषी ठहरा देंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ, वो जो 7 दिन नूहा के परिवार ने एक रूम में जहाज में बिताए, वो कलीसिया का स्वरूप है। और कलीसिया में वहां रहते हुए उसने प्रार्थना की, धन्यवाद के साथ उसने एक ही मन एक दृष्टिकोण के संग प्रार्थना की, और सबसे बड़ी चीज है तीसरा पॉइंट है प्रेम किया उसने। प्रेम, हालेलुया। हम जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं हमें प्रेम में रहना है, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम होना चाहिए, द्वेष होना नहीं होना चाहिए। वो 8 के 8 परिवारों में प्रेम था, वो नोहा की बात पर अमल करते थे, वो नोहा के अनुसार चल रहे थे, वो प्रेम में था। पिता ने कहा है कि ऐसा होगा, हमें चलना है, यस चलना है। उनमें से 8 में से बाइबल में कहीं नहीं लिखा कोई भी एक सदस्य थोड़ा सा निराश था, वो मना कर रहा था, ना ही नहीं, 8 के 8 प्रेम के साथ एक ही मन के साथ रहे, क्योंकि प्रेम कौन है, परमेश्वर है। पहला योना 4:16 कहता है कि प्रेम है परमेश्वर, जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर अगर कलीसिया में प्रेम है तो परमेश्वर आपकी कलीसिया में है। अगर आपकी कलीसिया में प्रेम नहीं है, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं है। ये साफ वचन में लिखा हुआ, पहला योना 4:16। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें आपस में प्रेम रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है हमारे बाजू में कोई भाई या बहन बैठने वाला ऐसा हो, गरीब हो, उसके कपड़ों में से स्मेल आ रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्यार नहीं करेंगे। नहीं, चाहे कोई भी हमारे बाजू में बैठा हो, वो कौन है, वो परमेश्वर की देह का अंग है। आपके बाजू में जो भाई जो बहन बैठे हुए वो कौन है, परमेश्वर की देह के अंग। क्या आप एक हाथ दूसरे हाथ से घृणा करेगा, नहीं करेगा। क्या आपका हाथ आपके पैर से घृणा करेगा, नहीं करेगा। तो जो आपके पास में बैठा हुआ है वो कौन है, यीशु की देह का अंग। इसलिए हमें उसे प्रेम से रहना है। हालेलुया। नंबर 4, विश्वास। हालेलुया। नंबर 14 पॉइंट क्या है, विश्वास। आपका विश्वास ही आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगा। बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है, हमें संदेह के संग विश्वास की ओर नहीं बढ़ना है। आपको विश्वास के संग कलीसिया में आना है कि मैं कलीसिया में आ रही हूं, मैं कलीसिया में हूं और परमेश्वर का आशीष मेरे साथ है, मैं परमेश्वर से मिलने आ रही हूं, मेरा पिता का घर है ये, मेरा परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर का हर प्रॉमिस मेरा है, परमेश्वर का हर प्रॉमिस मेरा है। हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। कलीसिया में कभी संदेह के साथ मत आइए कि आपका काम होगा या नहीं होगा। 2 संडे हो गए हैं, 4 संडे हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, इतनी प्रॉब्लम थी इतनी रह गई है, इतनी भी होगी, नहीं, संदेह नहीं करना है।
हमें विश्वास के संग बैठना है और विश्वास में आगे बढ़ना है। नूह के पास क्या था? उसके पास क्या संपत्ति थी? विश्वास। मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। 120 साल तक मैंने जहाज बनाया और अब मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कलीसिया में हूं, जहाज के अंदर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि आपको कहीं भी बाइबल में ऐसी बात बोलने को लिए लिखी कि नोहा का परिवार आपस में कह रहा है कि यार परमेश्वर ने बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बाहर से दरवाजा क्यों बंद किया? परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया में बने रहें। कभी कभी होता है कि हम निकट आकर भी भटक जाते हैं। हमने सालों साल परमेश्वर की उपासना की, हमने सालों साल परमेश्वर की प्रतीक्षा की, हमने सालों साल परमेश्वर की महिमा की, उस पर विश्वास किया, लेकिन अंतिम समय में कोई ऐसा शख्स आया, कोई ऐसा रिश्ता आया, कोई ऐसा पैसा आया, कोई ऐसी चीजें आई जो हमें परमेश्वर से दूर कर गई। नहीं, वी हैव टू केयरफुल कि मैं करीब हूं, मैं चुनी हुई हूं, मैं कहीं जगमगा ना जाऊं। इसलिए कलीसिया के संग बना रहना बहुत जरूरी है। आप कलीसिया की अहमियत को समझिए। कभी भी आना, कभी भी जाना, कुछ भी करना, नहीं, ये परमेश्वर का घर है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम आज ठीक नहीं हो रही है। मैं कहता हूं जिंदगी भर आपकी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो तब भी चलेगा, वो आएगा और आपको लेकर जाएगा। यीशु मसीह ने आपकी प्रॉब्लम के साथ आपको अपनाया है। वो जानता है कि आप में क्या कमी है। आप कोई अजूबे नहीं है, आप कोई बहुत खूबसूरत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आप में हमें कुछ नहीं है, ये उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है जो उसने हम पर कृपा की, जो हमें कलीसिया में जगह दे दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास के संग हमें उस जीवन को बिताना है, विश्वास के संग, हालेलुया। धीरज, पांचवा पॉइंट क्या है? धीरज, पेशेंस। पहला पढ़िए, पहला याकूब की पत्री एक का पढ़िए, 2, 3, 4। धीरज, धीरज ही है जो आपको सिद्ध करता है। धीरज पढ़िए बेटा, याकूब की पत्री 1:2-4। हे मेरे भाइयों, जब तू नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे अवसिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। Amen. कितने चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई घटी ना रहे। Amen. धीरज को काम करने दो। विश्वास से तो आप आ गए परमेश्वर के पास। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर को जानना आसान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मैं MDiv कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, ये ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। मैं आपको सच बताऊं, आप अगर 1000 साल का आपका जीवन है और 1000 साल आपको बाइबल पढ़ने को मिलती है तब भी आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। मेरा बेटा भी MDiv के लिए जाना चाहता है। परमेश्वर में बने रहो। पवित्र आत्मा हमारी गुरु है। मैं किसी बाइबल स्कूल में आज तक नहीं गया हूं, एक दिन भी नहीं पढ़ा हूं किसी बाइबल स्कूल में। मैं, मेरा गुरु पवित्र आत्मा है। एक दिन भी मैं किसी भी स्कूल में नहीं गया। ये परमेश्वर है जो मुझे देता है और मुझे बताता है।
कौन मेरे अंदर से बोल रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। तो धीरज को अपना काम करने दो। आप जब विश्वास करते हैं, मैंने विश्वास किया कि मेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी, मैंने विश्वास किया कि मेरा जो चर्च अब डबल पोर्शन में हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, और विश्वास के संग मैंने प्रार्थना की, अब मुझे क्या करना है? धीरज। अब इस चर्च को डबल करने के लिए मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे फिजूल में अनाउंस नहीं करना है, फिजूल की भविष्यवाणियां नहीं करनी है कि इस चर्च में ही इशू मिलता है, यहां आएंगे तो ही आपको आशीष मिलेगा। नहीं, हमको झूठा आधार नहीं रखना है। मैंने कहा है, मैंने प्रार्थना की है कि मैं मेरे चर्च का पोर्शन डबल हो, दो सभाएं हो, इसका मतलब ये नहीं है। वो कब नहीं होगा? जब मेरे अंदर धीरज नहीं होगा। मैंने प्रार्थना की है कि मैं परमेश्वर का और आशीष पाऊं, मैं परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर के राज्य में और आगे बढ़ूं और आत्माओं को अपने कलीसिया में लेकर आऊं। वो होगा। कब होगा? जब मैं धीरज के संग रहूंगा। कब आप सिद्ध होंगे? जब आपके पास धीरज होगा। आपने प्रार्थना की है, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं अपनी बहन से कहता हूं कि बहन मुझे इस चीज की जरूरत है, मैंने अपना बीज आपके अंदर बो दिया, प्रेज द लॉर्ड, अब मुझे इनको परेशान नहीं करना है, नहीं, मुझे प्रार्थना करनी है, क्योंकि इनसे मुझे अगर कुछ भी लेना है उसका मतलब क्या है? आशीष। किसके लिए? मैं अपने लिए मांग रहा हूं? नहीं, किसके लिए? परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रेज द लॉर्ड। तो इनके मन से कौन बात करेगा? परमेश्वर। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस बहन तक बात पहुंचानी है, मैं एक संदेश वाहक हूं, परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला कि इस बहन को बोलो, इस भाई को बोलो, मैंने अपनी परमेश्वर की बात आप तक पहुंचा दी। आपको करना है या नहीं करना है ये कौन जानेगा? आप और परमेश्वर। मेरा मतलब नहीं है। क्या आप में से कोई है? मैं आपको बता दूं, मेरा जीने का स्टाइल, मेरा मिनिस्ट्री करने का स्टाइल यही है। मैं जब प्रार्थना में बैठता हूं, परमेश्वर मुझे कुछ बोलता है और किसी का नाम बोलता है, मैं सामने वाले को बोल देता हूं कि भैया ये प्रॉब्लम है, आपको करना है या नहीं करना ये आप जानो, प्रभु जाने, मुझे मतलब नहीं, मुझे परमेश्वर ने कहा, मैंने कह दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें धीरज के संग जीना है, तभी हम सिद्धता की ओर चलेंगे। अगर हमारे अंदर धीरज नहीं होगा तो हम वो 7 दिन नहीं निभा पाते। नूह के जो परिवार है वो 7 दिन नहीं बैठ सकते अगर उनके पास धीरज नहीं था। एक बेटा कहता कि पापा क्या है ये, 120 साल तक हम बनाते रहे आपका जहाज और अब यहां बैठे हैं, पानी नहीं आ रहा, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, उनके साथ धन्यवाद की प्रार्थना थी, उन सबका एक मन था, उनके पास विश्वास था कि जो परमेश्वर ने कहा है वो होगा। मेरा इशू आने वाला है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, मैं अभी आत्मा में महसूस कर रहा हूं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह आएगा। मैं सच कह रहा हूं, बहुत आत्मा में मैं महसूस कर रहा हूं कि प्रभु कभी भी आ सकता है, इसलिए हम जितना अपने आप को संभाल सकें उतना संभालिए, उतना संभालिए, शैतान हमको वरगलाने की कोशिश करेगा, हमारे अंदर घमंड आने की, शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और बुद्धि का घमंड, ये लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 2:16, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। 1 यूहन्ना 2:16, हालेलुया। क्या चल नहीं रहा, ये नहीं चल रहा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं पर संसार की ओर से है। हाँ, जीविका का, पैसे का घमंड, पैसे परमेश्वर की ओर से नहीं है,
शैतान की ओर से। इसलिए भी हमें अपने आप को बहुत संभल के चलना है। हालेलुया। तो पांचवा पॉइंट क्या था? धीरज, धीरज के साथ। छठा पॉइंट क्या है? समझौता। प्रेज द लॉर्ड। सात दिन नूह और नूह का परिवार किसके संग रह रहे थे? जानवरों के संग रह रहे थे। क्या इससे पहले वो जानवरों के संग रहते थे? नहीं रहते थे। सात दिन और तकरीबन 150 दिन, 40 दिन 40 रात तो बारिश होती रही, उसके बाद पानी घटता रहा, तो 150 दिन तकरीबन पूरा साल अगर आप देखिए तो वो नूह का जो परिवार था वो वहीं था। 150 दिन आप समझिए, बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो लोग जानवर के साथ नहीं रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। हम कई बार समझते हैं कि ये बहन हमारे परिवार की नहीं है, वो भाई मेरे परिवार का नहीं है। नहीं, हमें एडजस्ट करना है। धीरज का मतलब क्या है? धीरज का मतलब क्या है? हो सकता है मेरा स्वभाव आपको पसंद नहीं आए, हो सकता है आपका स्वभाव मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन इस कलीसिया में मैं आपका स्वभाव पसंद करने के लिए नहीं आया हूं। इस कलीसिया में आप मेरा स्वभाव पसंद करने के लिए नहीं आए हैं। इस कलीसिया में हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलने आए हैं। मेरा स्वभाव आपको पसंद आए ना आए, परमेश्वर आपके अंदर अपना स्वभाव डालना चाहता है। मेरा स्वभाव डालना नहीं चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि पास्टर की तरह बनो, परमेश्वर चाहता है मेरी तरह बनो। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो समझौता हमारे जीवन में बहुत से जरूरी है। कभी हो सकता है कि आपके चर्च में एक बहन जो नई नई आई है उसको आशीष मिल गया, उसका मकान भी हो गया, उसका सब कुछ हो गया, और आप कहते हैं अरे यार ये क्या है, इसको हो रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मूसा को उसकी मिनिस्ट्री 80 साल में उसको मिली थी। परमेश्वर ने जब वो पैदा हुआ था तब से उसे चुना हुआ था। जब वो 80 साल का था तब परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शिमशोन जिसको जन्म से ही परमेश्वर ने यूज करना शुरू कर दिया था, जन्म से ही। वो जब उसकी मां की कोख में था तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। नो, अगर कोई हमारा भाई हमारी बहन आगे बढ़ता है, धन्यवाद की प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर धन्यवाद, आप मेरी बहन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप मेरे भाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम एक परिवार के रूप में उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। तो समझौता हमारे लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। सातवां और बहुत ही आवश्यक है, अनुशासन। अनुशासन होना, अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम प्रार्थनाओं के लिए अनुशासन होना चाहिए। हमने अगर प्रार्थना का एक समय बांधा है तो हमें बांधना है। हेलो, अनुशासन होना चाहिए। अगर हमने समय बांधा है, क्या आप अपने खाने का समय चेंज करते हैं क्या? 1 बजे अगर आप खाना खाते हैं या 2 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे आपका पेट मांगता ही है, मांगता कि नहीं मांगता है? जिस समय आप खाना आपको आदत डालते हैं, अनुशासन आपने दे दिया, मांगता है। हम परमेश्वर के लिए कोई भी समय उपयोग करते हैं, हमें परमेश्वर के लिए एक समय निश्चित करना है। हम रात को 2 बजे आए, 3 बजे, कभी कभी आप रात को लेट आए, चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन एक समय बांध दिया कि मैं 5 बजे उठूंगा, 5 से 6 उठूंगा। परमेश्वर के लिए समय बांधना और परमेश्वर के लिए घर में एक स्थान रखिए कि कहां पर, बिस्तर में प्रार्थना नहीं करनी, बिस्तर से उठिए, मुंह धोलिए और एक स्थान रखिए, चाहे वो दूसरे कमरे में हो चाहे वो बिस्तर के पास ही हो, एक स्थान रखिए, वहां घुटने टेकिए और प्रार्थना करिए। अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कभी भी यीशु को याद कर लिया, जब मन चाहा कि आज नहीं, आज आज आज, आज समय नहीं है, हम कल पढ़ेंगे, आज लेट हो गए थे, चलो कोई बात नहीं, 2 दिन लेट हो गए, 4 दिन लेट हो गए, पढ़ ही नहीं रहे, प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। समय बांधिए,
अनुशासन अगर आपके अंदर नहीं है, डिसिप्लिन ही डिसाइपल को पैदा करता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप डिसाइपल नहीं हो सकते, याद रखिए। और परमेश्वर ने आपको चुना है डिसाइपल बनाने के लिए, अगवा बनाने के लिए। यहां पर भेलपूड़ी खाने के लिए नहीं बुलाया आपको परमेश्वर ने, परमेश्वर ने आपको चुना है, अपने कलीसिया में लाया है, अपनी देह का अंग बनाया है ताकि आप उसके स्वभाव में आए, ताकि आप उसके अनुसार चलें और ताकि वो आपके अनुसार आपके साथ चलकर अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय थोड़ा कम है इसलिए मैं यहां वाइंड अप कर रहा हूं, नहीं तो बहुत कुछ था आज के मेरे वचन में। तो सात चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी, और किस तरीके से परमेश्वर ने सात दिन नोहा को और नोहा के परिवार को उस जहाज में रखा, जिस जो जहाज वो सात दिन, वो जहाज एक कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है और उस कलीसिया की तरह हमको रहना है। इसलिए इफिसियो 5:27 क्या कहता है, अंतिम वचन पढ़ के मैं बंद करूंगा। इफिसियो 5:27 कि वो कलीसिया चाहता है जो झुर्री के बिना हो। पढ़िए बहन, हालेलुया। इफिसियन 5:27 और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर ऐसी कलीसिया लेने के लिए आ रहा जिसमें झुर्री ना हो, जिसमें कलंक ना हो, जिसमें अपवित्रता ना हो, अपवित्रता ना हो, याद रखिए। तो जो नोह की कलीसिया थी वो बिना झुर्री के थी, उसमें अपवित्रता नहीं थी, एक मन था, पवित्रता थी, एक दृष्टिकोण के संग चलते थे। हमें भी एक मन एक दृष्टिकोण के संग चलना है, प्रेज द लॉर्ड। हमें उसका अंग बन के रहना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आप परमेश्वर की देह का अंग पूरी तरीके से बन गए, आपका पालन पोषण अपने आप होना शुरू हो जाएगा। इसी का 29वां पढ़िए, 29:29 इफिसियों 5:29 जल्दी पढ़िए। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जब आप मसीह के शरीर का अंग बन जाते हैं तो जिस तरीके से वो आपके शरीर का पालन पोषण करता है, उसी तरीके से वो आपकी कलीसिया का पालन पोषण करते हैं। अगर आप, याद रखिए, ध्यान दीजिए मेरे सब, अगर आप उसके शरीर का अंग बन जाते हैं पूरी तरीके से, अगर आप ईमानदारी से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उसका अंग बने हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पालन पोषण अपने आप होता रहेगा। आपके काम में परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, स्ट्रेंथ देगा, शक्ति देगा, रास्ते निकालेगा आपके लिए। आप नहीं जानते परमेश्वर को, परमेश्वर बहुत प्यार करता है आपसे और उसकी योजनाएं हर चीज सफल हैं, और अभी अंतिम समय चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। इसलिए इस अंतिम समय में हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। ये ना हो कि इतनी दौड़ धूप, हमने 20 साल 25 साल से हम प्रभु के चरणों में आ रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में अब जब यीशु आने वाला है तो हम भटक जाएं, हम शरीर की अभिलाषा में चले जाएं, आंखों की लालसा में चले जाएं, जीविका का घमंड हमारे अंदर आ जाए। नहीं नहीं नहीं, हमको ये चीजें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एक बार अगर यीशु आके चला गया, उसके बाद 7 साल आप रह नहीं सकते। 7 साल महाकलेश का समय होगा, पीरियड होगा, और अगर आपने वो चिप ले ली तो आपका नरक जाना निश्चित है, फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। बाइबल कहती है हमें उससे दूर रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को समझाइए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए। परमेश्वर, आज का जो वचन आपने दिया है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा ये भाई मेरी बहन समझे सीखे परमेश्वर, और आपके बने रहे, आपके शरीर का अंग बने रहे परमेश्वर। दयालु पिता, दया के ताकि परमेश्वर आप इनके शरीर का पालन पोषण कर सकें, आपका आशीष, आपकी योजनाएं, आपका मन ये जाने परमेश्वर, और आपका स्वभाव इनमें आए परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे आमीन। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कौन बोलेगा? बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय।
यीशु मसीह की। क्या आपका वचन आपको अच्छा लगा? आप इस पर चलेंगे? हालेलुया, प्रभु यीशु की। गॉड ब्लेस यू।